क्यों बोलते हैं बांके बिहारी स्वयं कहते हैं कते रास शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्बत पश्चात धावी श्रवण लोभात। इसका मतलब है श्री बांके बिहारी कह रहे हैं अगर किसी ने रा ही बोल दिया कद मैं रा शब्द सुनते में पागल हो जाता हूं, कद मेरी स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति श्री राधा जी का नाम किसने उच्चारण कर रहा है, किसने ये रा शब्द बोल रहा है। अभी मेरे को रा शब्द का विनिमय में कुछ मिलता नहीं जो कि हम उसको दे, कहते मैं खुद को खुद उसको पास में बिक जाता हूं। अगर किसने धा बोल दिया रा और धा, अगर अगर ये दो अक्षर किसने बोल दिया, भगवान कहते हैं वो जिधर जिधर चलता है मैं भी उसको पीछे 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 मैं भी चलता हूँ। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा राधे 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 नाम लेते हैं। इसलिए हम लोग भी जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए हम भी पहले ये जो हरे शब्द है ये राधा शब्द है। हरे मतलब होता है सिर्फ राधा रानी है, इसका मूल शब्द हरा और संबोधन में हो जाते हैं हे हरे मतलब हे राधिके, हे कृष्ण जैसे सीता राम लक्ष्मी नारायण राधे श्याम। इसलिए जो हरे शब्द है श्री राधा रानी का नाम है। अभी प्रश्न है तब यहाँ पर हरे कृष्ण क्यों बोले, राधे कृष्ण सीधा राधे राधे बोल देते, बोले हरे कृष्ण क्यों बोले, बोले प्रेम जितना छुपा हुआ रहता है उसका उतना महत्व है, इसलिए प्रेम को छुपा करके रखनी चाहिए। कृष्ण भी राधा रानी को अपना हृदय में धारण करते हैं, इसलिए प्रेम को छुपा होनी चाहिए। इसलिए राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लेकर के यहाँ पर श्री हरे रूप में श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए हम एक कीर्तन करते हैं वृंदावन में सबके सब कैसे श्री राधा रानी का कैसे नाम लेते हैं। बोल राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे पीछे पीछे बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे 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 का नाम अनमोल, बोलो राधे 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 का नाम अनमोल, बोलो श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। वृंदावन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, वृंदावन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, जमुना के धार से आवाज आई राधे राधे, जमुना के धार से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, 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 दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम
मन मोर मोर लागे कोयल ही बोले आगे तोते भी बोले आगे कोयल ही बोले आगे तोते भी बोले आगे कोयल भी बोले आगे तोते भी बोले आगे कोयल भी बोले आगे तोते भी बोले आगे कान्हा के मुरली के आवाज आए आगे आगे कान्हा के मुरली के आवाज आए राधे राधे कान्हा के मुरली से आवाज आए राधे राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोल राधे श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोल ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे 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 शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आए शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आए राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोल श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे चंदा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे चंदा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे तारा के छाया से आवाज आए राधे राधे तारा की छाया से आवाज आए राधे राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोल श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोल ललिता भी बोले राधे विशाखा भी बोले राधे ललिता भी बोले राधे विशाखा भी बोले राधे कान्हा के मुरली से आवाज आई राधे राधे कान्हा के मुरली से आवाज आई राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे राधा का नाम बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुजी नित्यलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज तथा श्री शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलाभ प्रभुशील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित कृष्णा कथा विपासो माताएं पिताएं सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत ही अच्छा दिन समझो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में सब कुछ सुलभ है लेकिन साधु संघ का बड़ा दुर्लभ है। इसलिए शंकर जी पार्वती को भी यही कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज की सुलभ है लेकिन पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार। संसार में सत्संग का बड़ी दुर्लभ है। इसलिए श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं एक घड़ी आधा घड़ी आधा से पुण्य आध तुलसी सतसंगत में नाश सब अपराध। इसलिए श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं जीवन में अगर एक घड़ी हो, एक घड़ी वाले नहीं हो आधा घड़ी, नहीं तो उससे आधा की अगर आधा भी जीवन में अगर कोई सत्संग करे तो जीवन का सारे पाप को नष्ट कर देता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी और भी कहते हैं कभी ये सत्संगत में सब कोई नहीं आ सकता है, कभी यही सारा कभी ये सत्संगत में सब जीव नहीं आ सकते हैं। जो पुण्यात्मा है जिनका जन्म जन्मांतर का कोई पुण्य उदय हुआ हो तभी कोई ये सत्संगत में भगवत कथा में तभी कोई बैठ सकता है, तभी ये कथा को कोई श्रवण कर सकते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा तो सब जगह में, सब जगह में से सत्संग की महिमा को शंकर जी ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी नारद जी सब जगह में सत्संग की महिमा गाते हैं। कहते श्री विभीषण जब लंका में पहुंचे माता सीता को ढूंढ रहे थे, माता सीता जी कहाँ हैं, कहीं माता सीता मिल नहीं रही थी। उन्होंने माता सीता को ढूंढते ढूंढते हठात उन्होंने एक तुलसी वृक्ष देखा। बोले लंकापुरी में तुलसी वृक्ष, ये तुलसी वृक्ष तो संतों का भक्तों का दरबार में होता है लेकिन ये लंकापुरी में ये तुलसी वृक्ष कैसे आ गया। तब हनुमान जी वहां पर उतरे, उतर करके देखा वहां पर शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह है और लिखा हुआ श्री राम लिखा हुआ। बोले मेरे प्रभु का नाम, अरे ये शंख चक्र ये गदा पद्म का ये कैसे आ गया। अभी विभीषण सोच रहा है हो ना हो ये मायापुरी है, रावण का पुरी माया की पुरी है, मेरे को भ्रमित करने के लिए ये सब तो कोई सृष्टि नहीं किया। तब सूक्ष्म रूप में अंदर में प्रवेश किया, देखा विभीषण सो रहे हैं और उनका रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम जिनका रोम रोम से प्रभु का नाम उच्चारण हो रहा है। बोले ये कभी कपटता नहीं हो सकता है, प्रभु का नाम किसका रोम रोम में प्रभु का नाम उच्चारण हो ये कभी कपटता नहीं हो सकता है, ये जरूर भाई राम का विशेष भक्त है। जब हनुमान जी फिर विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण ये बात को स्वयं कहते हैं कहते आज मोए भरोसा होए हनुमंता बिनो हरि कृपा मिला बिना मिले ही नहीं संता। इसलिए जब तक कि भगवान की कृपा नहीं हो तब तक श्री भगवान का भक्त का संग कभी हो ही नहीं सकता है। जब प्रभु राम की कृपा हुई जो रघुवीर कृपा रघुवीर मोए कृपा की नहीं,
लगता है श्री राम ने मेरे ऊपर में कोई कृपा की है, इसलिए आप जैसे संत राम का प्रिय जो हनुमान है तभी आपका संग मेरे को मिला। इसका मतलब है जब जीवन में सचमुच से कोई संतों का दर्शन हमें मिलता है कभी क्या समझनी चाहिए, क्या समझनी चाहिए ये संसार का दुख अभी हमारा समाप्त होने वाला है। जब किसी का जीवन में संसार का सारे दुख का समाप्त होने का समय आता है, प्रभु अपना चरण में किसको बुलाते हैं, तो भगवत इच्छा से, प्रभु की इच्छा से प्रभु डायरेक्ट स्वयं नहीं आते हैं। भाई माता जी बता रहे थे ना गुरु जी की कृपा, इसलिए स्वयं कृष्णा उद्धव जी को कहते हैं, बोले हे उद्धव जब मैं किसी जीव को ऊपर में कृपा करता हूँ, कहते आचार्य माम उपजानिया, संतों को मेरा ही स्वरूप समझना, जब मैं किसी जीव को अपना चरण में बुलाना चाहता हूँ तब ये संत रूप में ही मैं पहले आता हूँ और अपना कथा सुनाता हूँ, अपना ज्ञान देता हूँ, फिर भक्ति के उपदेश दे करके अपना चरण में उनको स्थान प्रदान करता। इसलिए समझो जीवन में जो सत्संगति दुर्लभ संसार जगत में सत्संग की बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गोस्वामी जी और एक जगह में कहते हैं सत्संगति होने पर क्या फल है, बोले झट उसका सत्संग को द्वारा झट फल मिलता है, बोले काक होई पीक बकौ मराला। सत्संगति में जो कौआ है वो तो बन जाता है सुख बन जाता है, और जो बक है जो बगुला है वो बन जाता है हंस बन जाता है सत्संग को द्वारा। हाँ, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। समझो हम लोगों का बड़े अच्छा दिन है जो कि हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए भगवान की कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। इसलिए भगवत कथा की बहुत बहुत महिमा है। हम भागवत से कुछ भगवान कृष्ण की कुछ हम कथा श्रवण करेंगे, ठीक है, कृष्ण का कुछ हम बाल्य चरित्र को श्रवण करेंगे। कहते भगवान क्यों लीला करते हैं, भगवान को लीला करने का क्या जरूरत है। कहते अनुग्रहाय भक्ता नाम कर्म विविध क्रिया, भगवान कहते हैं मैं अपना भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए मैंने ये सब के सब लीला करता हूँ। अगर प्रभु अगर लीला नहीं करते, प्रभु राम अगर लीला नहीं करते, कृष्ण कन्हैया अगर लीला नहीं करते, हम यहाँ बैठकर थोड़ी सुनते, अभी तो घर में बैठकर टीवी देखते, नहीं तो इधर उधर की संसार की बात हम करते। लेकिन प्रभु की जब कथा करते हैं, जब प्रभु की कथा सुनते हैं, हमारा मन प्रभु का चरण में अभिष्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रभु की स्मरण करते 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 फिर प्रभु अपना चरण में हमें स्थान दे देते हैं। इसलिए जीव को ऊपर में प्रभु कृपा करने के लिए ही प्रभु ने ये मधुर मधुर लीला की है। इसलिए कृष्ण क्या लीला की है, हम कुछ कृष्ण की लीला कथाओं को सुनेंगे, ठीक है। अब एक मिनट कीर्तन करता हूँ, मेरे पीछे कीर्तन करो फिर हम कथा सुनेंगे, ठीक है। मेरे पीछे का ग्लोरी करते हैं ना, किसका महिमा गाते हैं ना, हम ताली बजा कर किसका महिमा हम गाते हैं, ताली क्यों बजाते हैं, किसका जो महिमा गाते हैं हम ताली बजा कर उसको संवर्धना करते हैं, उसका जय जसगान करते हैं। उसी तरह जब हम भगवान का कीर्तन में ताली बजाए इसका क्या फल है, कहते इसका पहला फल है अगर हमारा हाथ में रेखा अगर कहीं गड़बड़ी हो, कभी कभी पूर्व जन्म का कर्म से हमारा हस्तरेखा कभी उल्टा पुल्टा रहता है, इसलिए संसार में हम बड़े दुख कष्ट वो करते हैं। अगर कोई प्रभु का कीर्तन में ताली बजाएगा तो उसका हाथ का जो रेखा अगर गड़बड़ी हो वो सही हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जो कीर्तन है मंगल भवन अमंगल है, भगवान का कथा कीर्तन सारे अमंगल को दूर कर देता है। इसलिए इसका पहला गुण है सारे रेखा को बदला देगा। उसका जो दूसरा गुण श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरा गुण है जैसे आप आंगन में जैसे दाल चावल कोई चीज सुखाने के लिए दिया, अगर कोई चिड़िया आकर के चुग रहा है ना खा रहा है, हम उसको भगाने के लिए क्या करते हैं, हम ताली बजाते हैं, फिर क्या होता है वो चिड़िया उड़ जाती है। कहते उसी तरह जब कभी कभी हम प्रभु की भक्ति करते हैं, कभी कभी ये पाप रूपी चिड़िया आकर के
हमारा सिर पर बैठ जाता है। अगर हम ताली बजाएंगे तो ये पाप रूप चिड़िया भी उड़ जाती है। तुलसीदास इसका उदाहरण दिया, कहते हैं ये तो परमार्थ के लिए हुआ, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि शरीर के लिए क्या लाभ है। अगर हम ताली बजाएंगे कीर्तन में, शरीर के लिए क्या लाभ है। आप लोगों को पता है हमारा जितने ऋषि मुनि सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने जो कुछ भक्ति के लिए, कोई कोई सोचते हैं नहीं भक्ति तो एक मन की भावना थोड़ी कुछ रखा हुआ, बोले नहीं मन की भावना नहीं भक्ति। ऋषि मुनियों ने जो जो कुछ बताया है वो सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका पीछे बहुत साइंटिस्ट का रीजन है, ऐसे नहीं केवल भावना रूप में बोल दिया। इसलिए ताली बजाने पर क्या होगा, देखो आप लोगों को पता है कि आकुप्रेशर है, नाम सुने आकुप्रेशर, कभी शरीर संपूर्ण शरीर का जो पॉइंट है, कहते सुई पैर और हाथ में है, जो आकुप्रेशर जिनको पता उनको पता है, ये हाथ का कौन सा पॉइंट उसको दबाने पर शरीर का कौन सा बीमारी सही होगा। हाँ कहते अभी ये चीज को चाइन ने निकाले, पहला हमारे भारत में था, ये यहाँ से लंका चला गया, फिर लंका से ये चाइनीज लोग उसका अभी लाभ उठा रहे हैं। ये हाथ का पैंट से, प्यार का पैंट से शरीर का सारे बीमारी सही कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि नहीं, अभी मैं बेंगलोर गया था, वहां पर एक मशीन निकाला, चाइनीज मशीन निकाला, मशीन में मेरे को भी थोड़ा उन्होंने किया था, मैं कौन सा पैंट से दबाने पर आपका हाई प्रेशर, लो प्रेशर, शुगर, हवा, उसमें लिखा हुआ है। वो एक से एक मशीन है, जब वहां टच करेंगे, टच करते ही वो थोड़ा झिमझिम जैसे करेगा, लेकिन पता चला कि यही बीमारी यही पर, फिर वो मशीनी को वही पर लगाते हैं, लगाने पर शरीर का सारी बीमारी को उसमें सही करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को पता है अगर कृष्ण कीर्तन में हम ताली बजाएंगे क्या होगा, ताली जोर जोर बजाए क्या आकुप्रेशर अपने आप हो जाता है, शरीर का जितना जोर से बजेगा वो सारे अपने आप शरीर में आकुप्रेशर होता है, हर पैर से अपने आप दबता है। इसलिए हम कृष्ण कीर्तन में नृत्य करते ना, नाचते हैं, नाचने पर क्या होगा, प्यार का जो पॉइंट से वो प्यार से भी सही करते हैं, नाचने पर अपने आप प्यार दबेगा, हाथ में ताली बजा तो अपने आप सारे पॉइंट अपने आप सब आपको प्रेशर होगा। इसलिए जो जितने जोर से कृष्ण कीर्तन में ताली बजाएगा तो उसका शरीर का सारी बीमारी अपने आप सही होगा, क्योंकि वो आपको प्रेशर अपने आप होगा। हाँ ये तृतीय इसका लाभ है। चौथा जो लाभ है, कहते हैं साइंटिस्ट लोग कहते हैं हमारा जो ब्रेन का दो पार्ट होता है, ये ब्रेन का कहते ये ताली बजाने पर इसका जो प्रभाव है, कहते ये ब्रेन को बल पड़ता है, इसलिए ब्रेन का सारी नस खुल जाती है, आप बहुत इंटेलिजेंट बनोगे, क्योंकि उसका प्रेशर पड़ता है शरीर को ऊपर भी, पढ़ने पर सारी नस खुल जाती है, उसको ऊपर में अच्छा असर पड़ता है। इसलिए ताली बजाने पर चार ही काम होगा, एक में तो आपका जो हस्तरेखा है अगर कोई उल्टा फुल्टा हो वो सही हो जाएगी, क्योंकि ताली बजा रही हो प्रभु का कीर्तन में। हाँ दूसरा है पाप रूपी चिड़िया उड़ जाएगा, तीसरा है आपको सारी शरीर का बीमारी से आपको प्रेशर हो जाएगा, चौथा है आप बहुत ब्रेनी हो गए। इसलिए जो जितने जोर से कृष्ण कीर्तन में ताली बजाएगा समझो चार लाभ है। इसलिए खूब कृष्ण कीर्तन में जितना जोर हो सकता है खूब जोर से ताली बजा, ठीक है मेरे पीछे पीछे कीर्तन करो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna, Krishna.
लगता है क्या मेरे लाला दूसरे घर में मखाने क्यों चोरी करता है। मेरे घर में तो 9 लाख गया है, 9 लाख गया है नंद बाबा का घर में। जब इतने दूध दही जहाँ पर नदी बहती है दूध दही के, तो मेरे लाला घर घर में मखाने चोरी करता है। अभी मैया को ऐसे लगता है मेरे घर का मक्खन लगता होगा खट्टा होगा, और गोपियों के घर का शायद मक्खन मीठा होगा। लगता है मेरे घर में जो दास दासियां मक्खन निकालती है, शायद उनको पता नहीं कैसे मक्खन निकालनी चाहिए। हाँ, मक्खन निकालने का भी तरीका होता है। अगर ज्यादा दिन का अगर दही जम गया ना, वो फिर वो मक्खन भी खट्टा हो जाएगा, वो मक्खन मीठा नहीं होगा। हाँ, अब जैसे दूध को डाल दिया मशीन में, क्रीम निकल गया, पहले तो ऐसे नहीं था। दही जमाएंगे, फिर उसको जमेगा, फिर मंथन करेंगे, फिर मक्खन निकलेगा। इसलिए मैया जसोदा सोच रही हैं, आज मैं अपना हाथों से मक्खन निकालूंगी और कन्हैया को मैं खिलाऊंगी। इसलिए अभी मैया जसोदा, अभी प्रश्न है कृष्ण घर घर में मक्खन क्यों चोरी करते हैं, कारण क्या है मक्खन चोरी करने का। तब ये संतों लोगों ने इसका एक आध्यात्मिक अर्थ बताया। कहते मक्खन का मतलब होता है, कहते मख और न, ये मक्खन होता है। कहते जो मख शब्द है इसका मतलब होता है, इसका पर्याय वाची होता है, मख मतलब होता है क्रोध। हाँ, ना मतलब नहीं। भगवान किसको चोरी करते हैं? जिसका हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, प्रभु उसकी दिल को चोरी करते हैं। प्रभु थोड़ी चोरी करने जाते हैं, विश्व ब्रह्मांड तो उनका गर्भ में है, दुनिया तो उनको पेट भी सारा दुनिया है, वो चोरी क्या करेंगे। तत्वतः कृष्ण चोरी नहीं, ब्रज गोपियों की दिल को चुराने के लिए, भक्तों के हृदय को चोरी करने जाते हैं। इसलिए एक अष्टक है, कहते ब्रज प्रसिद्ध हम नवनीत चौरम। हाँ, कहते ब्रज में जिनका मक्खन चोर नाम से जिनका प्रसिद्ध है, क्या चोरी करते हैं? कहते भक्तों का हृदय को चोरी करते हैं, काम क्रोध को चोरी करते हैं, प्रभु अनर्थ को पाप को चोरी करते हैं, प्रभु मन को चोरी करते हैं।
इसलिए सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि सभी का हृदय को पाप को जो चोरी करते हैं भगवान। इसलिए मख न मतलब भगवान उसकी चीज को चोरी करते जिसका हृदय में काम क्रोध नहीं है। तब संतों लोगों ने एक बहुत मीरा ने एक अच्छे उदाहरण देकर समझाए, कहते मक्खन का बनता है, मक्खन बना दियो गई माताएं, जब मक्खन बना के मक्खन बना दो घर में, पहले मक्खन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पहले दूध लाओ, पहले दूध को गर्म करो, हाँ गर्म करो। दूध गर्म करना मतलब क्या है, कि दूध गर्म करना मतलब होता है जब किसी साधु का हृदय में भगवत प्राप्ति का जब कोई उत्कंठा हृदय में आए, हम प्रभु कैसे मिले, प्रभु कैसे मिले, प्रभु कैसे मिले, यही दूध का गर्म करना है। अभी दूध गर्म हो गया फिर उसमें जमन डालते हैं, जानते हो जमन, दही बनाने के लिए इसको जमन डालना पड़ता है, लेकिन अगर ज्यादा होगा ना वो खट्टा हो जाएगा, इसलिए परिमाण होनी चाहिए तब तो वो दही जमेगी। ये जमन किया, बोले जमन है जब किसी का हृदय में भगवत प्राप्ति को उत्कंठा हो, फिर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है, सदगुरु उसको भगवत मंत्र प्रदान करते हैं। इसलिए जैसे जमन थोड़ी सी, उसी तरह जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे राधे, मंत्र दो तरह होता है, लेकिन होने पर भी भगवान को भी वो वशीभूत कर सकता है, मंत्र में इतने शक्ति है। इसलिए गुरु जी उसको मंत्र प्रदान किया, अभी दही जम गया, जब दही जम गया उसको बाद में क्या होता है, फिर उसको मंथन करो। कहते मंथन क्या है, कहते मंथन है अभी गुरुदेव तो हमें मंत्र दे दिया, केवल मंत्र ही सब कुछ नहीं, अभी हमको साधन करना पड़ेगा। हाँ जैसे हम यहाँ इंडिया जाने के लिए हम प्लेन का टिकट कर दिया, लेकिन अभी पॉकेट में रख देंगे थोड़ी हम इंडिया में पहुंच जाएंगे, यहाँ से आपके एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, हाँ फिर प्लेन में बैठना पड़ेगा, फिर तो प्लेन लेकर के आपको इंडिया में छोड़ेगा, अगर घर में बैठ जाओगे तो इंडिया नहीं पहुंच जाओगे। उसी तरह जब हम गुरु से दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं, उसको बाद में हमको साधन की जरूरत है, हाँ हमको साधन करना पड़ेगा, जैसे हमारे संत लोगों ने जैसे साधन किया है, प्रभु का नाम को ठीक से जप करना, ठाकुर का सेवा पूजा करना, ठाकुर जी की भक्ति करना। चैतन्य महाप्रभु ने बोले कम से कम 1,00,000 भगवान का नाम करो, हाँ महाप्रभु कहते 1,00,000 जो नाम नहीं करता उसका हाथ का दिया हुआ वस्तु में ग्रहण नहीं करता हूँ। इसलिए अगर 1,00,000 नहीं कर सकते हो, कम से कम 1,00,000 होता है 64 राउंड, 64 राउंड, अगर इतना नहीं तो कम से कम 16 वाला तो प्रभु का करो, हाँ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, आप कोई बोले हमारे पास में समय कहाँ है भक्ति के लिए, हमारे पास में तो समय है ही नहीं भजन करने के लिए, अगर कोई बोलेगा भजन के लिए समय कहाँ, संसार भी तो है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या, देखो भगवान हमको 24 घंटा दिया है, हाँ 24 घंटा, तब वो कहते आपको सोने के लिए कितना घंटा चाहिए, कितना घंटा चाहिए सोने के लिए, 8 घंटा बहुत है, 6 घंटा सोते हैं, 8 घंटा अगर वो भी काफी 8 घंटा सोने के लिए। कहते अगर काम करने के लिए हमको कितना घंटा चाहिए बताओ, कितना घंटा, 8 घंटा, नहीं तो 10 घंटा काम करो, हाँ 10 घंटा काम करो, 8 घंटा सो, कितना हो गया, 8, 10, 18 हो गया, बताओ 24 घंटा और कितना घंटा बाकी रहता है, और कितना घंटा, अभी और भी 6 घंटा बाकी है, हाँ 6 घंटा। वो उदाहरण देते हैं, भगवान हमें बहुत समय दिया है उनकी भक्ति करने के लिए, ये जो मानव जन्म कहते ये मुक्ति का द्वार है, कहते इसी जीवन में ही प्रभु की हम भक्ति करके हम भगवान को इसी जीवन में पा सकते हैं, हाँ इसलिए अरे इतना नहीं कर सकते, 1 घंटा तो प्रभु के लिए दो, भगवान इतना समय दे दिया उसके लिए तो 1 घंटा दो कम से कम, ये जो इंसान का जो शरीर जो प्रभु ने दिया है भजन के लिए उसके लिए 1 घंटा नहीं दे सकते, जो सब कुछ दे रहे हैं हवा बतास पानी खाना पीना रहना सब कुछ प्रभु दे रहे हैं। इसलिए कहते उसको बाद में हमको साधन करनी चाहिए, कहते भी मंथन मतलब होता है साधन करना, जब मंथन करोगे क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा, एक तरफ में छाछ निकलता और एक तरफ में मक्खन निकलता है। कहते मक्खन क्या है, कहते मक्खन मतलब होता है प्रेम, हाँ कहते ये प्रेम है, जब हमारा हृदय में साधन के द्वारा हृदय में जो प्रेम प्रकट होगा, कहते फिर वो प्रेम को लेने के लिए भगवान दौड़ दौड़ करके आते हैं, क्योंकि भगवान केवल प्रेम की ही वशीभूत है।
इसलिए कृष्ण जो मखन चोरी करने प्रभु जाते थे, मखन नहीं भक्तों का हृदय के प्रेम को चोरी करने प्रभु जाते थे। इसलिए भगवान जब ये मखन चोरी करते थे, मैया सोचती हैं, लगता है मेरे घर का मखन खट्टा होता होगा, शायद गोपियों के घर का मखन शायद ज्यादा मीठा होता है, इसलिए मेरे लाला अपना घर का मखन छोड़ करके दूसरे घर में जाता है। आज मैं स्वयं दधी मंथन करूंगी, आज मैं स्वयं आज मखन बनाऊंगी। इसलिए कहते उनको गैया में कहते 9 लाख गैया को अंदर में कहते विशेष करके केवल 8 केवल 10 विशेष गैया थी, जिनको कहते ये पद्म गंधा गाभी है, कहते जिनकी दूध से कमल फूल का खुशबू जिससे निकलता था, आज मैया यशोदा अपना हाथों से उन्होंने दूध को निकाले और अपना हाथों से गर्म करके एकदम लाल रंग बना दिया दूध को, मखन जैसे मीठा होनी चाहिए, एकदम लाल रंग जो हो गया, मैया ने दही जमाया और दही जमा करके मैया सवेरे सवेरे उठ करके अपना स्वयं अपना हाथों से कन्हैया के लिए दधि मंथन कर रही है। इधर दधि मंथन कर रही थी और उधर कृष्ण का कीर्तन कर रही थी। हाँ, दधि मंथन करते समय रई होता है, देखे होंगे दधि ऐसे मंथन करते हैं। मैया पहले पहले स्त्रियां बहुत चूड़िया पहनती थी, पता नहीं आप लोगों के देश में क्या नियम है, हमारा देश में तो हमने उड़ीसा और जो उधर बंगाल उधर शादी से पहले जो स्त्रियां एक चूड़ी पहनती जरूर, हाथ कभी खाली नहीं रखते, जरूर एक चूड़ी होनी चाहिए, जब शादी करती है ना यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहन कर जाती थी, ये हमारे देश का नियम है यहाँ तक। हाँ, जब जाती क्यों जाती है, और प्यार में जरूर नुपुर पहनती थी, क्योंकि जब चूड़िया बजती है जब प्यार का नुपुर का संकार कद पति को कान में बड़ा अच्छा लगता है, पति को घर का काम करते समय उसका जो झनझन आवाज चूड़ी की जो चरने की जो प्याल जो पायल की जो शब्द है वो पति को खुश करता था, इसलिए स्त्रियां पहनती थी। अभी मैया यशोदा भी कद यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहनी हुई, हाँ, और ऐसे दधिमंथन कर रही है हरे कृष्ण हरे बोल, ऐसे दधिमंथन कर रही है, जब दधिमंथन कर रही थी चूड़ियों की आवाज हो रही थी। ये उदाहरण दिया संतों ने, जैसे अभी कीर्तन कर रहे थे ना, कीर्तन करते समय ये करताल बजा रहे थे, करताल बज रही थी, कहते वो चूड़िया काम कर रहा था करताल की, और वो जो रई था उसमें जो घर 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 शब्द होता था, अभी जो मृदंग बज रहा था वो कर रहा था मृदंग का काम, और इधर मैया यशोदा कीर्तन कर रही थी कन्हैया की, बड़ी सुंदर सुंदर कन्हैया की कीर्तन कर रही थी, बजाओ हम कीर्तन करते थे। आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया का, आज मेरे अंगना ने आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया का, आज मेरे अंगना ने आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया का, आज मेरे अंगना ने आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया का, कोई कोई मछली में भोले खाली गई मुझे, कोई कोई मछली में भोले खाली तेरे लिए दही करी राखी मंगलाय, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया का, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया का। यहाँ पर मैया यशोदा सारी माताओं को शिक्षा दे रही हैं, क्योंकि वो माँ यशोदा है, माँ है ना, माँ क्या करती है बच्चों को शिक्षा देती हैं। यहाँ पर मैया शिक्षा देती है, बोले देखो घर का काम तो हाथों से करो, लेकिन घर का काम मत समझो, क्या समझो, अपना घर को ठाकुर जी का मंदिर समझो, है तो सचमुच ठाकुर जी का ही घर है, हम तो 2 दिन का मालिक बने हुए, हाँ, लेकिन जब परमात्मा शरीर से निकल जाए जिसको हम घर कहते हैं उसमें हम 1 घंटा भी ज्यादा रहने नहीं देंगे, बोले जल्दी निकालो चल सर को,
जिस शरीर को स्नान करके छूते थे उसको छू करके फिर हमको स्नान करना पड़ता है। इसलिए घर किसका है? घर घर ठाकुर जी का घर है। हाँ समझो, ये ठाकुर का दरबार है, घर हमारा नहीं, ठाकुर जी का घर है। और उसमें जो कुछ बनाओ समझो क्या ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और उसे ही बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? पर ठाकुर जी को भोग लग गया। हाँ ठाकुर जी को बाजार मार्केट ही करने जा रहे हैं, बोलो किस लिए जा रहे हो? पर ठाकुर जी का रोसी बनेगा ना, इसलिए हम सब्जी लेने जा रहे हैं। घर में झाड़ू लगा रहे हो, बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? पर ठाकुर जी का मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ बच्चों को थपथप लगाकर बच्चों को सिला रहे हो, बोले बच्चे किसके? बोले ठाकुर जी के बच्चे हैं, बच्चे तो है ही उनके। हाँ इसलिए ये सबको जो ठाकुर जी को के लिए लगा दो, जितने जो कुछ करते हैं सब चीज भगवान को साथ में जोड़ देनी चाहिए, फिर ये सबके सब भगवान की भक्ति हो जाएगी। इसलिए मैया यशोदा सिखा देती है, हाथ में तो काम करो लेकिन मुंह में क्या करो? मुंह में श्री भगवान का नाम लिया करो, मुंह में कृष्णा कीर्तन करो। ये जो मृदंग है ना, जब मृदंग बजाते हैं, जैसे मैया यशोदा घर घर शब्द, वो मृदंग का आवाज था। कहती मृदंग में जो शब्द होता है आप लोग ध्यान करके देखना, उसमें शब्द होता है धीक्तांग धीक्तांग धीक्तांग, ये शब्द होता है ये मृदंग शब्द। बोले इसका मतलब क्या? तांग मतलब उसको, धीक मतलब अधिकार है। बोले किसको अधिकार है? बोले जिनको भगवान कृपा करके ये इंसान का जीवन तो प्रभु बड़े भाग्य से मानव शरीर दिया है, बड़ा भाग मानस तन बाबा। प्रभु राम स्वयं अयोध्या वासियों को कहते हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये इंसान का जीवन साधारण जन्म नहीं, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है। लेकिन जिनको प्रभु ने कृपा करके ये मानव शरीर तो दे दिया, लेकिन ये शरीर पा करके जो भगवान का भक्ति नहीं कर रहे, दिन रात केवल विषय में पड़े हुए, कहते धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, उनका जीवन को धिकार है, उनका जीवन तो बर्बाद जा रहे। हाँ ये मृदंग कहते इसको हम नित्यानंद प्रभु का बलदेव स्वरूप मानते हैं, ये गुरु है। जैसे गुरु जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु मतलब होता है बोले गुकार अंधकार, तो गु मतलब अंधकार है, बोले रुकार सत्य निरोधक, जो हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके हमारा हृदय में जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर, ये गुरु जी का काम है। हाँ इसलिए गुरु रूप में ये हमको यही सिखा देते हैं, जीवन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो मैया यशोदा घर के काम कर रही है और कन्हैया की कीर्तन कर रही है, कृष्ण तो सो रहे थे। हाँ जब कृष्ण सो रहे थे तो प्रभु कैसे रह सकते हैं अगर जहाँ पर कृष्ण कीर्तन हो? इसलिए इतने में कृष्ण का नींद खुल गई, बोले मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई, मेरे को भूख लग रहा है, अभी मैं दूध पीऊंगा। इसलिए देखा मैया तो दधि मंथन कर रही है। यहाँ पर सिखा देते हैं भगवान कहते मैं रहता हूँ कहाँ पर। कभी नारद जी प्रश्न किया भगवान को, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? बोले नारद मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठा मैं नारद, कहीं जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं मैं वही रहता हूँ। अगर हाथ में काम करो, अगर मुंह में कृष्ण कीर्तन करो ना, फिर भगवान कहीं रह नहीं सकते। भगवान फिर दौड़ दौड़ करके हमारे पास में, भगवान फिर आ जाएंगे, कृष्ण हमारे पास में आ जाएंगे। इसलिए अभी कृष्ण आ गए, आकर के मैया को पीछे पकड़ लिए, बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को दूध पिला दे। बोले लाला थोड़ी सी रुक जा, अगर सूर्य उदय हो जाने पर गर्मी हो जाएगी, गर्मी होने पर फिर मक्खन नहीं निकलता है, क्योंकि जो मंथन करके जिसको निकालते हैं वो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। बोले फिर सूर्य उदय होगा तो मक्खन नहीं निकलेगा, लाला थोड़ी सी रुक जा, तेरे को दूध भी पिला दूंगी और तेरे को मक्खन भी खिला दूंगी। बोले नहीं भैया मेरे को अभी मक्खन खिला दे, अभी मेरे को दूध पिला दे, भूख लग रहा है। बोले लाला रुक जा रुक जा, देखा मैया मेरे को दूध नहीं पिला रही है, वो तो काम करते हुए जा रही है। अभी कृष्ण ने सोचा जब तक मैं मैया की मैं काम बंद नहीं कर देता हूँ तब तक मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी। कृष्ण पीछे से आ गए, आकर के दोनों हाथ से रई को पकड़ लिए, एकदम बंद कर दिया काम को। मैया ने देखा लाला तो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, फिर मैया ने कन्या को गोद में लेकर के फिर उनको दूध पिलाने लग गई। जब दूध पिला रही थी इतने में
चूल्हे के ऊपर में उन्होंने दूध गर्म करने के लिए एक पात्र में बैठा कर रखी थी, वहां दूध गर्म हो रहा था। इतने में देखा जो दूध वो धीरे 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 दूध उतल रहे, उतल करके उफन करके दूध अभी आग में गिरने जा रहा है। तब यहाँ हमारा टीकाकार लोग कह रहे हैं वो दूध उफन करके वो आग में क्यों गिरने जा रहा था, कारण क्या? मतलब कारण है वो दूध भी कोई साधारण नहीं, क्योंकि ब्रज का दूध है वो भी साक्षात मूर्तिमान रूप में, जो भगवान का सेवा में लगे वो भी साधारण दूध नहीं। वो दूध सोच रहा है मेरा जीवन तो बेकार है। बोले क्यों बेकार? बोले कृष्ण माँ जसोदा के स्तन में कहते इतने दूध है क्योंकि भगवान का माँ है, इसलिए माँ जसोदा उदाहरण दिया जिसको हम खीर समुद्र हम जो बोलते हैं। बोले ये खीर समुद्र क्या है? बोले माँ जसोदा का स्तन में जो दूध है उसका एक बूंद ही ये खीर समुद्र है। कहते जगत में जितने माताएं हैं उनको स्तन में दूध कहाँ से आती है? कहते सबके सब माँ जसोदा की स्तन से आती है, क्योंकि वो मूल माँ भगवान की माँ जसोदा है, समझो कितने दूध उसको स्तन में। इसलिए अग्नि ये दूध सोच रहा है माँ जसोदा में इतने स्तन है ये दूध कभी समाप्त होने वाले नहीं। कहते कृष्ण का पेट कितना बड़ा? बोले कृष्ण का पेट भी छोटा मोटा नहीं, अनंत बड़ी विश्व ब्रह्मांड जिसको उदर में माँ को उन्होंने दिखा दिया मिट्टी खाते समय। बोले माँ देख मेरे मुंह में क्या है, तुम भी मेरे में पेट में ही तुम भी हो, इसलिए विश्व ब्रह्मांड जिसको पेट में। इसका मतलब है माँ जसोदा की जो स्तन है वो भी कभी खत्म होने वाले नहीं, और श्री कृष्ण का पेट भी कभी भरने वाले नहीं। इसलिए ये दूध सोच रहा है लगता है फिर मैं कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा, अगर कृष्ण सेवा में मैं लग नहीं पाऊंगा तो ऐसे जीवन रखने का कोई महत्व नहीं, ऐसे जीवन को तो आग में छलांग लगा करके ये जीवन को हमको खत्म कर देनी चाहिए। ये हमको शिक्षा दे रही है ये दूध। इसका मतलब है अगर ये हम मानव जन्म हमें जो मिला है हाँ, अगर ये जीवन पा करके अगर हम भगवान को सेवा नहीं कर पाए, भगवान का भक्ति नहीं कर पाए, तो समझो ये जीवन का कोई महत्व नहीं, ये जीवन बेकार है हाँ। फिर भगवान ये मानव जन्म फिर प्रभु दोबारा और कभी नहीं देते हैं। इसलिए कृष्ण राम सब शास्त्र एक ही बात कहता है, कहते बड़े भाग मां नसत न पावा, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। हमारे गुरु जी एक छोटी सी कथा सुनाते थे, देखो ये जीवन कितना दुर्लभ है अच्छे तरह समझो। मेरे गुरु जी कहते थे बोले एक समय कोई एक अंधा डंडा टिक टिक टिकते टिकते जा रहा था हाँ, अंधा व्यक्ति। एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था जिस महल में 84 लाख जिसमें दरवाजा है, कितने 84 लाख जिसमें दरवाजा है, लेकिन इस सारे दरवाजा में सब दरवाजा उसमें बंद था, केवल उसमें एक दरवाजा खुला हुआ था। वो था अंधा डंडा टेकते टेकते वो भूल से जो खुला हुआ दरवाजा में कैसे अंदर में चला गया, फंस गया किसी तरह से। अंधा तो है दिखता तो है नहीं, अभी कोशिश कर रहा है उससे निकले, उसको तो दिख नहीं रहे कौन सा दरवाजा खोला। अभी वो हाथ लगाता है और जिस दरवाजा में हाथ लगे वही बंद है। कितना दरवाजा? कहते लाख नहीं 84 लाख दरवाजा, सारे दरवाजा बंद पड़ा हुआ, सब दरवाजा में हाथ लगाते लगाते करते 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 कितने दिनों में वो घूमते घामते जो खुला हुआ दरवाजा में आ गया हाँ। अभी ये खुला हुआ दरवाजा में ये निकल सकता था, लेकिन अभी वो सोच रहा है सारे दरवाजा तो हमें बंद पड़ा हुआ मिला, कि जिस दरवाजा में हाथ लगाया वही बंद था और ये थोड़ी खुला हुआ होगा, अभी पहुंच गया खुला हुआ दरवाजा में निकल सकता था, लेकिन इतने में उसको थोड़ा खुजली मच गई। वो खुजलाते खुजलाते और जो खुला हुआ दरवाजा में आया था वो पार हो गया, जब पार हो गया फिर वही बंद दरवाजा, फिर वही बंद दरवाजा। तो इसको संत लोग ये उदाहरण दे करके संत लोग ये चीज को समझा रहे हैं। कहते इसका मतलब क्या है? कहते इसका मतलब है हम भगवान को भूल करके हाँ ये संसार में आ गए। कहते इसमें कितना दरवाजा है? कहते 84 लाख ब्रह्म के, ये नरतनुदेही प्रभु राम समझा रहे हैं। कहते 84 लाख योनि इसमें जीव को भटकना पड़ता है, अंधा व्यक्ति हम ही है,
लेकिन जिस दरवाजा में हमारा हाथ लगता है, कभी मानव शरीर जो खुला हुआ दरवाजा, ये मानव शरीर ही है, और जितने दरवाजा बंद हुआ, इसका मतलब है जैसे जानवर समझो, कोई गैया, कोई भैंस, दूसरे जानवर, केवल ये कोई भगवान का भक्ति कर सकते है क्या? किसको बोलो थोड़ा प्रभु का नाम लो, कोई ले सकता नहीं। जैसे हम बैठ कर कथा सुन रहे हैं, जैसे कथा सुन रहे यहाँ बैठ करके, अगर कोई सुअर आ जाए, बोले भैया यहाँ सत्संग हो रही है, थोड़ा सत्संग सुना है। अगर सुअर दरवाजे तक आ जाएगा ना, उसको डंडा लेकर हम भगाएंगे। अगर कोई कुत्ता भी आ जाएगा, उसको डंडा लेकर भगाएंगे। इसका मतलब है ये सत्संग में भजन का बात तो दूर है, ये सत्संग में बैठने का जो अधिकार है, कभी ये मानव जन्म को छोड़ करके और किसका अधिकार ही नहीं सत्संग में बैठ कर कथा भी सुने। समझो इस मानव जन्म का कितने महत्व है जीवन का। हाँ, इसलिए और किसी जीवन में किसी गधे को बोलो थोड़ा प्रभु का नाम लो, नहीं तो थोड़ा कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण का सेवा करो, कोई कर सकता है? नहीं कर सकते, केवल ये इंसान ही कर सकता। इसलिए सारे दरवाजा बंद मिला। हाँ, सारे दरवाजा समझो, ये मानव शरीर पाने से पहले आप लोगों को पता ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मांस खाते हैं, अगर बकरी जन्म हो गया ना, सीधा टांग को लटका कर चमड़ा उतार लेंगे। गैया जीवन मिल गया तो सीधा मशीन में घुसा कर बटन दबा देंगे। बकरी अगर कोई मुर्गा जीवन बन गया तो गला को पकड़ कर सीधा घोड़ देते हैं। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं तुमको ये इंसान जीवन पाने से पहले ये सब जीवन तुमको भोगना पड़ा है, दरवाजा बंद है, किसी जीवन में जी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, कोई नहीं पा सकते। लेकिन ऐसे भटकते भटकते कष्ट भोग करते करते ये जो मानव शरीर मिला है, कभी ये खुला हुआ दरवाजा है, मतलब इसी मानव जीवन में हम भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का नाम करते हुए इसे हम निकल सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसी मानव जन्म प्रभु ने जब दिया, हम खुजलान लगे। जानते हो खुजलान क्या है? खुजलान मतलब होता है जो गधे और जानवर जीवन में हम जो जो करते करते आए, इसी जीवन में फिर वही काम करने में लग गए। बोले क्या करते करते आए? बोले चार काम करता है जानवर। बोले क्या? बोले आहार, ये मनुष्य संहिता का श्लोक, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जानवर यही चार, आहार मतलब सारा दिन खाना खाता है, ढूंढता है खाना, आहार, निद्रा खाकर फिर सो जाता है, भय मतलब डर, मैथुन मतलब स्त्री संग करके बच्चों को जन्म देना। कहते हम मानव जन्म पर आकर के फिर वही जानवर जो काम कर रहे जीवन में, हम यही जीवन में फिर वही फिर करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु ने जो दुर्लभ जीवन दिया भजन के लिए, भजन से कोई मतलब नहीं रखा, वो जानवर जैसे कमाओ खाओ और जीवन को नष्ट कर दो। हाँ, कहते ये जीवन में जो खुजली खुजलात खुजलात किया हुआ, ये दरवाजा पार, मतलब मानव जन्म खत्म। जब खत्म हो गया फिर दरवाजा बंद आता है, सारे फिर वही 84 लाख जीवन में हमको फिर भटकना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि मानव जन्म पा करके हमको क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सारे काम करो ठाकुर को सेवा मान कर। कृष्ण गीता में यही कहते, भक्ति कोई परिश्रम का काम नहीं है। हाँ, जो कर रहे हैं तो वही करो, और कोई ज्यादा करने का जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ी सी भावना को बदला दो, केवल भावना को। जो काम कर रहे हो समझो ठाकुर का सेवा कर रहे हैं। हाँ, जो घर है ठाकुर जी का घर समझो, पत्नी को समझो भगवान की सेविका, हम भी ठाकुर का सेवक है, बच्चे भी ठाकुर जी का ही। हाँ, बस केवल भावना को बदलाओ। लेकिन ये भावना को हमारा कौन बदलाएगा, ये बदलाएगा कौन? कभी साधु संग है। इसलिए बताया बिनु सत्संगे विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ नासन। ये केवल सत्संग से होता है। हाँ, भक्तों का संग जब हम करेंगे वही हमारा भावना को बदला सकते हैं। बस हमारा बेड़ा पार ही। और कुछ देखो, यहाँ पर हमारे गुरु भाई कुछ बैठे, यहाँ पर देखो, देखो ये बच्चे को देखो, देखो यहाँ पर हमारे प्रभु जी बैठे हुए, वो भी काम करते हैं, लेकिन उनका बच्चों को देखो गला में तुलसी कंठी, बच्चे भी तिलक लगाते हैं, घर में पत्नी ठाकुर का सेवा पूजा करती है, भोग लगाती है, देखो वो भी करते सब कुछ, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु का नाम करते हैं। उनका घर में जाकर देखोगे, घर में अब घर उनके घर में घुस जाओ, लगेगा नहीं किसी घर में आ गए, अब लगेगा किसी मंदिर में आए, क्योंकि इधर उधर कहीं तस्वीर नहीं देखोगे,
कोई हीरो हीरोइन का तस्वीर नहीं देखोगे, उनके घर में भगवान का तस्वीर देखोगे, सुंदर ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी का घर है, बच्चे भी सबके सब प्रभु का नाम करते हैं, हाँ? कोई ज्यादा परिश्रम नहीं है, जो कर रहे हैं तो वही करना, लेकिन थोड़ी सी हमें अपना भावना को बदलानी चाहिए, बस इसको द्वारा ही हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन और एक चीज है, और एक चीज है, हमको थोड़ा खान पान का थोड़ा विचार रखना चाहिए, हाँ? कृष्ण गीता में कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, जब जब तक आहार शुद्ध नहीं करेंगे तब तक ये शरीर शुद्ध नहीं होता है। आपका हिंदी में एक कहावत है, जैसे खाएगा अन्न वैसे बनेगा मन, क्योंकि जैसे खाएगा वही तो खून बनेगा, वही ब्रेन बनता है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं थोड़ा आहार गंदी चीज को हमको छोड़नी चाहिए, हाँ? गंदी चीज को जैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट ये सब चीज को, गंदी चीज को हमको छोड़नी चाहिए, तब तक फिर भजन होगा, नहीं तो ये सब चीज खाने से शरीर में तमोगुण आता है, तमोगुण करने पर आप भजन नहीं कर सकते। अभी हम आ रहे पर्थ गए थे, पर्थ वहां पर हमारे एक भक्त है, एक परिवार है, देखो अगर आप खान पान नहीं बदलाएंगे घर में भी अशांति कैसे हो जाएगा। वहां पर दो पति पत्नी, दो पति पत्नी, वो गुजराती है, पत्नी तो बड़ी भक्ति करती थी लेकिन वो पति भजन नहीं करता था, पति शराब पीता था, खूब शराब पीता था पति उसको, बल्कि पति भजन तो करता नहीं था, पत्नी को भी बोलता था किसने जाते हो इतना साधु संत के पास में, क्या जरूरत है माला लेकर भजन करने का। लेकिन उसको पत्नी जब देखा वो शराब पीता है, उसका बच्चा भी शराब पीना शुरू कर दिया, जब बच्चा शराब पीना शुरू कर दिया घर में अशांति शुरू हो गया, वो शराब पीकर उल्टा पुल्टा करने लग गया। फिर देखा और एक परिवार, भक्त का परिवार, जो कि परिवार एकदम शुद्ध है, हमारे गुरु जी का शिष्य है, उनका एक बेटा है एक बेटी है, उसका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, दोनों भक्त है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज में वो फास्ट आया है, 14 साल का लड़का है, उसका नाम जसोदानंदन है, हा? उसका परिवार, उसने देखा भाई इनका परिवार बड़ा शांति है, बच्चे लोग कोई उल्टा पुल्टा खाते नहीं, भगवान का भक्ति करते, घर का वातावरण शांत वातावरण है, बड़ा आनंद वातावरण। उसको पिता के दिमाग में ये चीज आया, मैं शराब पीने का नाते मेरा बेटा इतना गंदा काम नहीं किया, और बेटा को मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं स्वयं शराब पीता हूँ, बेटा को नहीं बता सकता हूँ कि स्वयं शराब पी रहा हूँ, कैसे बताऊंगा। फिर उसको दिमाग में आया मैंने गंदा रास्ता में गया, फिर उसने फिर बदल गया, पत्नी को बोला तू सही रास्ता पर गई हो, मैं पहले तुमको टोक रहा था, हाँ, लेकिन देखा तुम सही रास्ता पर गई। उसने फिर बदल गया, बदल तो गया लेकिन अभी बेटा को बदला नहीं पा रहा, बेटा शराब पीकर घर में आता है और बड़े उत्पात करता है, अभी बेटा को सुधार नहीं पा रहा। हम इस बार गए थे, हम भी थोड़ा समझाए उसको, बच्चे को थोड़ा समझाए, मिल गई आपका ही दोष है, आप स्वयं शराब पिए, बच्चों को क्या सिखाओगे, शराब मत पियो। इसलिए अगर हम अगर सही नहीं बनेंगे फिर बच्चों को अभी हम सही नहीं बना सकते, अगर हम स्वयं अच्छे बनेंगे बच्चों को भी अच्छा रास्ता बता सकते हैं, पर बच्चे भी घर का वातावरण भी अगर घर में सबके सब ठाकुर का भजन कीर्तन करे, आपको ये नहीं लगेगा घर में ही, आपको लगेगा भगवान का धाम में हम रह रहे हैं, ठाकुर जी का, क्योंकि जहाँ ठाकुर का सेवा पूजा हुआ हो कहते घर भगवान का धाम बन जाता, वैकुंठ बन जाता है, गोलोक वृंदावन बन जाती है वो घर। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, देखो देखो यहाँ पर ये हमारे भक्त है, ये भी माता जी, देखो इनका बच्चे, देखो तिलक लगाए मृदंग बजा रहे हैं, ठाकुर का भजन कर रहा है, हाँ? देखो उनका पूरा घर में जाकर देखना, ये बच्चा उठ करके 4 बजे स्नान करता है और स्वयं ठाकुर जी का आरती करता है और पिता माता कीर्तन करते हैं, हमारे घर में भी जाएंगे, देखो देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अच्छे कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसलिए हम पिता माता जैसे करेंगे बच्चों को तो वही सिखा देंगे। इसलिए हम चाहते हैं आपका घर घर भी भगवान का धाम बन जाए, आप भी संतों से जुड़ो, आप भी भक्तों से जुड़ो, हाँ? आप ये सोचोगे नहीं अगर हम वेजिटेरियन बनेंगे कभी किसको मन होता है, फिर बच्चे लोग फिर वेजिटेरियन खाएंगे तो फिर दिमाग नहीं बनेगा, हाँ? फिर बुद्धि नहीं होगा, ये गलत धारणा है। अभी आए हम कहाँ से, मेलबर्न से आए, एक परिवार इंडियन परिवार उनके घर में थे, कर ले उसका जो बेटा है वो
वो क्लास में एकदम फास्ट आया है, क्लास में वो वेजिटेरियन 14 साल का लड़का है, बारह क्लास में तो क्लास में फास्ट हो गए। हमारे जितने भक्त लोग हैं, जितने वेजिटेरियन जहाँ गए सबके सब क्लास में फास्ट आते हैं। वेजिटेरियन में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कुछ भ्रम धारणा है अगर हम वेजिटेरियन बनेंगे हम कमजोरी हो जाएंगे। किस किस लोगों का धारणा है कमजोरी हो जाएंगे, बोले नहीं कमजोरी नहीं ज्यादा बलवान होते हैं। देखो साइंटिस्ट क्या उदाहरण देता है, ये चीज को समझो और अपना दिमाग में बैठाओ। साइंस क्या बोलता है कि जितने आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देखो, फिलोसोफर देखो, जिनका नाम लोग सब वेजिटेरियन, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलेगा हमको। तब साइंटिस्ट इसका उदाहरण दिया है, देखो चीज समझो, वो एक तरफ में वेजिटेरियन दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन। देखो कहते नॉन वेजिटेरियन एक कुत्ता है, अब देखिएगा जब कुत्ता थोड़ी दूर भागता है अपने लगता है, वो सोता हुए भी कुत्ते को देखोगे वो भी 24 घंटा देखो हाँफते हुए, वो नॉन वेजिटेरियन है। एक बाघ को आप चिड़ियाघर में जाकर देखो, बोले पृथ्वी में सबसे जो लेजी जो जानवर बताया ये बाघ है, ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। आप कभी चिड़ियाखाना में जाकर देखो, दिन भर सोते हुए देखोगे और पड़े हुए, अब जाकर देख लेना चिड़ियाखाना में जाकर भी। आप एक शेर को नॉन वेजिटेरियन, आप कहीं भी चिड़ियाखाना में जाओ देखना शेर ऐसे करके बैठता है दिन भर, दिन भर आपते हुए देखोगे, ये सब के सब नॉन वेजिटेरियन। अभी देखो वेजिटेरियन देखो, एक घोड़ा वेजिटेरियन, कितना तेज उसको अंदर में शक्ति। जब हम कोई ये एग्जाम्पल देते इतना हॉर्स पावर, इतना हॉर्स पावर उसके अंदर में, वो वेजिटेरियन। एक गधा हम कहते हैं ना, तू गधा जैसे काम कर रहे हो, गधे को पीठ के ऊपर जितने चीज लद दो वो पहाड़ के पहाड़ के ऊपर लद कर ले जाता है, पहाड़ के ऊपर सर गधे को व्यवहार करते हैं, कितना सबसे ज्यादा मतलब गधा जैसे परिश्रम कर रहे हो वो वेजिटेरियन। एक बैल वो वेजिटेरियन, दिन भर खेती में काम करता है, देखना दिन भर खेती में काम कर दिन भर कर दिया। पृथ्वी में कहते सबसे तेज भागने वाले हिरण है, लेकिन ये वेजिटेरियन है, इतना तेज भागता है, इतना तेज भी नहीं भाग सकता है।